हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का रीजनिंग का पार्ट 6 लेके आया हूँ। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर में पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे हम आसान तरीकों से बनाते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लाइट इज वेरी शार्प, जिसको दिया हुआ है 8243 से, राइट इज वेरी रॉन्ग 2817, सब दिया हुआ है आपको। आपको नंबर्स में दे दिया है, अल्फाबेट्स को सब नंबर्स में क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देखिए हाउ इज नाइफ, आपको क्या निकालना है, नाइफ निकालना है। हाउ इज द वर्ड नाइफ कोडेड एज, फ्रेंड देखिए नाइफ कहाँ दिया हुआ, नाइफ यहाँ दिया हुआ है आपके। तो आपको इज और शार्प अगर पता चल जाएगा क्या होगा, तो आपको नाइफ निकल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए इज का हम लोग निकालते हैं, यहाँ इज है, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, तीनों में इज कॉमन है। अब तीनों में देखिए कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, एट कॉमन है ना। तो इज के लिए क्या आ गया आपका, एट आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, शार्प करना है। शार्प इसमें भी है, शार्प इसमें भी और शार्प इसमें भी है, तो तीनों में फाइंड कीजिए क्या चीज है जो कि कॉमन है तीनों में। तो शार्प में देखिए यहाँ फोर है, यहाँ भी फोर है और यहाँ भी फोर है, तो शार्प में क्या हो गया, शार्प का आपका फोर हो गया। ठीक है, अब बचा क्या इसमें, इज पर चल गया एट हो गया, शार्प हो गया फोर, तो फाइव बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निकालना क्या है, रॉन्ग का कोड करना है, रॉन्ग का डिकोडिंग करना है। ठीक है, आपको यहाँ शार्प पता चल गया फोर है, आपको रॉन्ग एंड अगर पता चल जाएगा तो आपका रॉन्ग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड पता करने अभी जरूरत नहीं है फ्रेंड। देखिए यहाँ रॉन्ग है, यहाँ भी रॉन्ग है, दोनों में कॉमन है, तो देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो रॉन्ग हो गया आपका। इसमें देखिए सेवन है, सेवन यहाँ भी और सेवन यहाँ भी है, तो क्या हो गया, रॉन्ग का आपका हो गया सेवन। ठीक है, अब चलिए अगला चलते हैं, वेरी देखना है, वेरी आपको फाइंड आउट करना है, वेरी इसमें भी है, वेरी इसमें भी है। साफ आपको पास चल गया है, साफ का हटा दीजिए, फोर एट नहीं होगा, वेरी आपका इसमें इसमें है, दोनों में है, कौन सा कॉमन है देख लीजिए, टू कॉमन है, टू इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इज निकालना है, इज पहले ही मैंने निकाल दिया, एट इसके आंसर हो जाएगा इज का। ठीक है, इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को बनाते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, आपको सीरीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां मैंने सीरीज लिखना भूल गया हूं, मैं सीरीज लिख दे रहा हूं आपके लिए। सीरीज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरीज आपका है, यहां लिख दे रहा हूं 11 है, फिर 14 है, 17 है, 20 है, और आपको यहां फाइंड आउट करना है दो तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये लिखना भूल गया था मैं फ्रेंड्स। अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ क्या है, 11 है, फिर इसमें 3 प्लस किया, प्लस 3 किया, फिर सेम टू सेम यहाँ रह गया, फिर इसमें प्लस 3 किया, फिर सेम टू सेम अगला में रह गया। ठीक है, फिर इसमें प्लस 3 किया, फिर सेम टू सेम रह गया, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे और सेम टू सेम रह जाएगा, तो 20 में प्लस 3 करेंगे 23 हो गया, और अगले में भी 23 रह जाएगा, तो बी क्या हो गया आपका, सही उत्तर हो गया। चलिए फाइंड द ऑड वन आउट करना है आपको। देखिए सिक्स में क्या है, पिस्टल है, एक तो लिखा हुआ पिस्टल है, स्वॉर्ड है, गन है, राइफल है। देखिए पिस्टल, गन और राइफल आपको तीनों एक ही कैटेगरी का लग रहा है, और स्वॉर्ड जो हो गया दूसरा हो गया, अलग हो गया, सब में से अलग हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। सातवां क्वेश्चन देखिए, दिसंबर दिया हुआ, मंथ दिया हुआ, फरवरी दिया हुआ, मार्च दिया हुआ, जुलाई दिया हुआ है। आपको पता है फ्रेंड, दिसंबर जो होता है 31 दिन का होता है, मार्च जो होता है 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, लेकिन फरवरी क्या होता है ना, 28 या 29 दिन का होता है। 28 होगा लीप ईयर नहीं है तो, 29 होगा लीप ईयर है तो, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि और तीनों से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, ऑल हीरोज आर जीरो, मान लीजिए ऑल हीरोज, ऑल हीरोज ये साइलो का क्वेश्चन है, ऑल हीरोज क्या है, जीरोज है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, ऑल जीरोज आर विलन, ऑल जीरोज क्या है, विलन है, ऑल जीरोज आर विलन। ठीक है, सम हीरोज आर जोकर, अब क्या दे दिया है, सम हीरोज आर जोकर, सम हीरोज क्या है, जोकर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सम जोकर्स आर हीरोज, हाँ सम जोकर्स हीरोज होगा, ठीक है, कुछ जोकर हीरोज होगा, सही है ये पहला, सम जीरोज आर जोकर, सम जीरोज आर जोकर, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ जीरोज जोकर होगा, ये भी सही है, सम विलन्स आर जोकर और सम विलन्स आर जीरोज, ये भी होगा, तीनों सही है फ्रेंड्स, तीनों आपका सही उत्तर है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3 ऑल थ्री फॉलोज, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी ही हमारा लाइव क्लासेस भी आएगा इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा लाइव क्लासेस करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए, किस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।